जूस, तमरिंद जूस। अस्सलाम वालेकुम। अभी शाम होने में कुछ टाइम बाकी है और कुछ देर के बाद हो जाएगी शाम। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं सू मार्केट को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शाम हो चुकी है और अभी हम जा रहे हैं सू वाकिफ, जिसको ईरानी मार्केट भी कहा जाता है। सू मार्केट में मौजूद कतर की काफ़ी सारी हिस्ट्रिकल कल्चर और पुरानी इमारतें, जो कि बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही लुत्फानंदोज़ हैं, जिसको देखते ही आप बहुत ज़्यादा इंजॉय और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो करते हैं स्टार्ट। रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा जमा ना हो, उस वजह से इन्होंने काफ़ी जगह से रोड जो है वो बंद किए हुए हैं और सिर्फ फीफा के बसें जो हैं, फीफा की जो मेट्रो बसें हैं, वो सिर्फ चल सकती हैं। वो भी वो लोग उसमें सफ़र कर सकते हैं जिनके पास हया कार्ड होगा। और हया कार्ड, आपको पता है कि जिनके पास फीफा के मैचेस के टिकट होते हैं, वही हया कार्ड उस पर बना सकते हैं। तो अभी हम आपको मुकम्मल तौर पे सू वाकिफ इंटर होने के बाद उसकी शॉप्स वगैरह और उसके लिटन दिखाएंगे। प्रॉपरली सू वाकिफ हम लोग इंटर हो चुके हैं। अभी मैं आपको इसकी शॉप्स वगैरह का विज़िट करवाता हूँ। अगर आप इसका स्केलेटन देखें तो ये काफ़ी पुराना है और इसकी जो बनावट है वो उस ज़माने की है जब कतर में कुछ भी नहीं हुआ करता था और लोग घोड़ों पे और ऊँटों पे सफ़र किया करते थे। ये उस टाइम की दीवारें हैं, उस टाइम की ही ये दुकानें हैं जिसका स्केलेटन आप देख सकते हैं। दरवाज़े वगैरह उस टाइम के लगे हुए हैं। कुछ अभी अभी नई बनावटें इन्होंने की हैं, लेकिन बाकी सारा कुछ पुराना है। दरवाज़े देख सकते हैं आप, बड़े बड़े उस टाइम के दरवाज़े हुआ करते थे, पुराने दरवाज़े। और ये हाथ की बनावट आप देख सकते हैं, ये हाथ से बने हुए, सारा कुछ हाथ से बना हुआ। यहाँ पर आपको तकरीबन मोस्टली आपको हाथ से बनी हुई। देखिए किसी एनिमल वुल्फ का है शायद ये कमरा। जिसका स्केलेटन आपको इस तरह लगेगा जिस तरह रियल एक शेर डिस्प्ले में किया हुआ है सामने, मैं आपको दिखाऊंगा। सलाम वालेकुम। ऐसे लगता हो जैसे इसकी जो जिल्द है ये रियल है, जैसे बनावट वाला सिस्टम नहीं है। लेकिन देखें, मे भी हो सकता है कि रियल भी हो, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन शेर रियल नहीं है अलबत्ता। लेकिन ये देखें है भी कितना बड़ा है। Thank you.
इसका फ्रंट तो हमने क्लियर कर दिया, अब बैक साइड पे थोड़ी सी अच्छी चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाएंगे। अगर दिल नहीं किया तो कहीं से चाय वगैरह भी पियेंगे, कुछ खाने पीने का। चलने वाले हैं हम चाय पीने के लिए, यहाँ पे चाय काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो देखते हैं उसको, ढूंढते हैं कहाँ पे है वो। आई वॉन्ट टी टी इट्स स्पेशल हाउ मच फॉर टू रियाल। मेरे ख्याल में 2 चाय की रियाल सफ़र के दौरान इतनी महंगी नहीं है, बंदे की थकावट उतर जाती है। और हमने चाय ले ली है इनसे, और अभी हम नेक्स्ट इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। सुवाकिफ को देखिए हमारे साथ। हाँ, व्हाट इज दिस ब्रदर? जूस, तमरिंद जूस। फ्रॉम विच कंट्री? सीरिया, दमास्कस। ओ, हाउ मच इट कॉस्ट? 10 रियाल। 10 रियाल, ओके, आई एम कमिंग बैक। या ओके। This area is crazy, man, crazy. I really love it. Buena mama. Mira, ella la hace a la cabarros nada más, chale. Bebe. मेरे ख्याल से मैंने आपको तकरीबन सारी चीज़ें दिखा दी हैं। एक मस्जिद थी जो कि मैंने दिखानी थी आपको, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से वो मैंने आपको नहीं दिखाई, तो उसके लिए माजरत। उस मस्जिद का इस तरह सिलसिला है कि उसमें जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो जब इस्लाम कबूल करते हैं तो वहाँ पर आके मुसलमान होते हैं, कलमा वगैरह पढ़ते हैं, तो वहीं पर उनका सारा सेटअप होता है। सबसे बढ़िया वाला कौन सा आपके पास? सब ये अच्छे हैं। ये टॉप के हैं? सब अच्छे हैं। तो गाइज़, ये था आज का सू वाकिफ़। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जगह।